तो सबसे पहले लिखो रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे फर्स्ट लिखना ग्रेटर नंबर ऑफ पाई कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और फिर ग्रेटर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कंटेनिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल रहेगा। पहले ये चेक करोगे, अगर ये नहीं हुआ तो सेकेंड रूल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ कंप्लीट ऑक्टेट। आर स्टेबल, अगर कंप्लीट ऑक्टेट का रूल भी फेल हुआ तो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। फिर इसके बाद फोर्थ है, अगर ये भी नहीं हुआ तो फोर्थ आप चेक करोगे नेगेटिव चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव चार्ज ये जो रहेगा ये स्टेबल रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, ये इंपॉर्टेंट है, या फिर आप लिख सकते हो लार्जर साइज एटम, एनायन हमेशा लार्जर रहता है। फिर इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, आपको सेकेंड वाला भी है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ये स्टेबल रहेगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे, मतलब स्मॉल साइज एटम पे। फिफ्थ जो रूल है, फिफ्थ रूल आप क्या चेक करोगे एरोमैटिक, अभी एरोमैटिक क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमैटिक। चलो कैमरा चालू रखना। फिर सिक्स्थ लिखो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन एडजेसेंट पोजिशन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है मतलब कौन सा इफेक्ट रहेगा, पॉजिटिव माइनस आई रहेगा, चेक करो माइनस आई है, देखो एक बार और शीट पे लिखो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ वरना पेज पलटते पलटते ना अभी 100 पेज हो जाएगा, ये जीओसी का जो चैप्टर है ऑलमोस्ट 100 पेजेस 150 पेजेस का, तो सिर्फ पेज पलटते ही रहोगे एक आंसर के लिए, इसके लिए बोल रहा हूँ सबको एक शीट में लिख के रखो ताकि सब आपको सिर्फ वही दो शीट में आपका पूरा कवरअप हो जाएगा।
तो एक आंसर लिखते लिखते आपको एक 1 आवर जाएगा किधर है ढूंढने में जाने। इसके लिए बोल रहा हूँ सबको एक ही शीट में लिखो, फायदा आपका ही है। हाँ सर ये सारे पॉइंट्स भी लिखने हैं? ये बाद में लिखा, अभी फिलहाल तो आपके नोटबुक में रखो क्योंकि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स जैसा है। आपको ये पॉइंट्स भी आपको लिखना है लेकिन ये नोट्स जैसा है। मैं बता दो नोट्स में क्या लिखना हो, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा, डोनेटिंग ग्रुप पे मतलब प्लस आई इफेक्ट। फिर लास्ट आप चेक करोगे व्हेन कॉन्जुगेटेड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज सेम लीनियर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन। अभी लीनियर क्रॉस से ज्यादा स्टेबल है, समझाता हूँ क्या है करके, जब एग्जाम्पल आएगा तभी ये सब। अभी शॉर्ट नोट्स में कैसे लिखोगे इसको? शॉर्ट नोट्स में सबसे फर्स्ट क्या लिखोगे? मोर पाई बॉन्ड सबसे पहला चेक करोगे, सेकंड कंप्लीट ऑक्टेट देखोगे, थर्ड न्यूट्रल है क्या नहीं वो देखोगे, फोर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रहना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे रहना चाहिए, फिफ्थ एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। ठीक है ऐसा लिखो एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक से ज्यादा रहेगा। सिक्स में आप क्या लिखोगे? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के पास बराबर है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एंड सेवेंथ क्या लिखोगे? लीनियर ज्यादा स्टेबल है क्रॉस, लीनियर कॉन्जुगेशन क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये बस 7 पॉइंट ऐसे शॉर्ट नोट में डाल, पूरा लिखने का जरूरत। अभी हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, 2 मिनट दे रहा हूँ, लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। चल तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखना CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे रहेगा CH2, इधर रहेगा प्लस। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्या? एक यूनिट का गैप है तो कैसे बनाओगे? देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे चला जाएगा? ये इधर चला जाएगा, क्या फॉर्म होएगा देखो जरा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये इधर बनेगा, ऑफ कोर्स इधर बीच में CH रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा CH2, इधर क्या आएगा ये वाले पार्ट में CH आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा? बहुत ही सिंपल है, बस एक्सचेंज करना है, लेफ्ट से राइट जाएगा और कुछ नहीं। अब यहां पे आप बताओ ये दोनों CH2 के बीच में क्या फिक्स्ड है, मतलब हमेशा क्या है इन दोनों के बीच में? एक सिंगल बॉन्ड कंफर्म है, क्या कंफर्म नहीं है? डबल बॉन्ड, तो इसको डॉटेड से बताओगे
और एक और चीज पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज। तो इधर एक डेल्टा पॉजिटिव, इसको आप क्या बोलोगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये ए स्ट्रक्चर रहेगा और ये बी स्ट्रक्चर रहेगा। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको पूछा तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, इट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है, 3 बॉन्ड्स है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितना है, सिर्फ 2 ही है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1. ये ट्राई करना। पहली चीज यहां पे पॉसिबल है क्या? हाँ सर। ठीक है, अब देखो क्या होएगा, ये जो नेगेटिव लोन पेयर है ये कहां पे चला जाएगा, इधर शिफ्ट होएगा, एंड ये कहां पे शिफ्ट होएगा, यहां पे शिफ्ट होएगा। ओके, तो क्या फॉर्म होएगा देखो जरा, यहां पे सी एच आएगा, इधर डबल बॉन्ड आएगा सी एच टू, यहां पे क्या आएगा सी एच टू आएगा, इसके ऊपर एक दोनों के बीच में क्या फिक्स्ड है, सिंगल बॉन्ड फिक्स्ड है, क्या फिक्स नहीं है, और एक चीज फिक्स नहीं है, दो चीज फिक्स है, बताओ, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज इसमें। अगर इसका आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो बॉन्ड ऑर्डर इसका रहेगा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सॉरी नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है, 3 अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1. पहले आपको सारा कॉन्जुगेशन के साथ सिखा रहा है, फिर बाद में हम लोग प्रॉपर वाला एग्जाम्पल्स लेंगे। जरा देखो हम लोग कैसे कर रहे, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये सब चीजों पे फोकस करना। हर एक का एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि जब प्रॉपर वाला एग्जाम्पल आएगा तभी आप अटकोगे नहीं। चलो थर्ड पे जाते हैं, यहाँ पे है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे सी एच टू। ओके, अब यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन हो रहा है, मल्टीपल बॉन्ड और फ्री रेडिकल के बीच में। ओके, अब देखो है, जब इतना पूरा लोन पेयर होता है ना तब आप कैसे एरो डालते हो, जब एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसको आप क्या बोलते हो, फिश हुक बोलते हो। ये एरो में फर्क समझ में आ रहा है आई होप, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये इधर के तरफ शिफ्ट होता है, ये जो डबल बॉन्ड बना है ये कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर एक इलेक्ट्रॉन और इधर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये यहां पे शिफ्ट होएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये यहां पे शिफ्ट होएगा। ओके, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो ये बनेगा यहां पे सी एच टू, इसके ऊपर एक डॉट रहेगा, यहाँ पे ये सी एच गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या रहेगा, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे बना, एक रेड और एक ब्लैक ये दोनों मिला के यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लियर है ना सबको? सर हाँ बोलो। वो सी एच टू पे जो इलेक्ट्रॉन था राइट साइड के, उसका भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ ना? हाँ, ये देखो मैं बताता हूँ, ये डबल बॉन्ड कैसे आया, पहले वो समझाता हूँ। ये डबल बॉन्ड इधर एक सी एच टू का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इनके बीच में जो डबल बॉन्ड है ना स्प्लिट होता है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और इनके बीच में पहले से एक बॉन्ड था ना। अब क्लियर है?
तो यहाँ पे आएगा सी एच टू, चलो अब यहाँ पे सबसे पहले सबके बीच में क्या कंफर्म है, सिंगल बॉन्ड कंफर्म है सबके बीच में, ये तो कंफर्म है कि सिंगल बॉन्ड आने वाला है कुछ भी करके, क्या फिक्स्ड नहीं है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और क्या फिक्स नहीं है, लोन, लोन पेयर, अभी इसको कैसे बताओगे आप, ये बॉक्स बनाओ और इसके ऊपर ऑफकोर्स ये लोन पेयर अगर आपने ऐसे बताया इधर और इधर, तो इसका मतलब क्या है, ये कंफर्म है कि इन दोनों के ऊपर लोन पेयर है, तो गलत है ना, वो हमेशा इसके ऊपर करना, एग्जाम्पल फोर लिखना, ये याद रखना ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे रहता है, ये डबल इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग ऐसे, तो फिश हुक बोलते हैं ये, चलो फोर सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, यहां पे रहेगा एन एच टू, ठीक है, ये तो आना चाहिए, ऑलरेडी किया है, क्या होएगा यहाँ पे, सर कॉन्जुगेशन पॉसिबल, पॉसिबल है, तो क्या होएगा यहाँ पे, लेकिन सर लोन पेर और किधर शिफ्ट होएगा, लोन पेर सर डबल बॉन्ड पे शिफ्ट होएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होएगा, और डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होएगा, सर सी एच टू के ऊपर, लेफ्ट के ऊपर सी एच टू के ऊपर, ओके तो यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है, आंसर देते रहो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, नहीं तो समझेगा नहीं, पहले ही वॉर्न करके रख रहा हूँ, आंसर देते रहो तो आपका ही नुकसान होने वाला है, मैं पहले आपको वॉर्न करके रख रहा हूँ, बाद में बोलना मत नहीं समझ रहा करे, चले बोलो आंसर देते रहो, ओके अब यहाँ पे आप बताओ कौन सा, नहीं सबसे पहले आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो सी एच टू क्या फिक्स है दोनों के बीच में, सिंगल बॉन्ड फिक्स्ड है, क्या फिक्स्ड नहीं है इनके बीच में, ठीक है डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है और लोन पेयर फिक्स है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज दोनों के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ओके अब इसमें बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, स्ट्रक्चर ए स्टेबल है कि स्ट्रक्चर बी स्टेबल है, पॉइंट्स चेक करो शॉर्ट नोट्स में, पॉइंट्स चेक करो, ऑफ कोर्स ये देखो ये लोन पेयर इसका मतलब ये तो मालूम ही रहना चाहिए, लोन पेयर इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर इसका मतलब इसके ऊपर क्या है एक नेगेटिव चार्ज है, आप बताओ कौन स्टेबिलिटी में ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट वाला, क्यों फर्स्ट वाला, क्या रीजन फर्स्ट वाले का, लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, वेरी गुड, लोन पेयर जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल है, ये लिखा के दिया आपको, तो इसीलिए यहाँ पे ए इज मोर स्टेबल देन बी, शॉर्ट नोट्स यूज करने भी सीखो, शॉर्ट नोट लिखते कोई सेंस नहीं है, चलो फिफ्थ, यहाँ पे कैसे टाइप का कॉन्जुगेशन है, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड के बीच में, तो चलो इधर से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट वाला जो डबल बॉन्ड है कहाँ पे शिफ्ट होएगा, वेरी गुड ये शिफ्ट होएगा इधर, यहाँ का डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होएगा, राइट लेफ्ट रहता है ना, राइट और लेफ्ट, राइट में लेफ्ट में, राइट में शिफ्ट होएगा, ओके अब क्या फॉर्म होएगा देखो जरा, सबसे पहले चीज ओके डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया,
सबसे लेफ्ट के इसमें, सबसे राइट के इसमें क्या होएगा, क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव। सबसे लेफ्ट पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना पूरा लोन पेयर डोनेट कर दिया, कुछ भी रिटेन नहीं है ये कार्बन के ऊपर, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसको आप ऐसे भी उल्टा भी कर सकते थे। उल्टा करने का मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चर अभी आपने किधर एरो किया, राइट के तरफ किया, तो ये भी पॉसिबल था ना, मतलब ये लेफ्ट की तरफ भी पॉसिबल है ना, तो दोनों तरह ये पॉसिबल था। अब इस तरफ जाएगा तो क्या होएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। सबसे लेफ्ट पे कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज रहेगा। सबसे राइट पे कौन सा चार्ज रहेगा फिर? पॉजिटिव। दोनों साइड चेक करना। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितना है? तीन है, ये देखो, 1, 2, 3, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे। कितना बॉन्ड है टोटल? 5 बॉन्ड है। 5। तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 2.5। इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? सबसे पहला रीजन है पाई इलेक्ट्रॉन, हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन को सबसे पहला प्रेफरेंस दो। सेकेंड रीजन है वो दोनों न्यूट्रल है, और आंसर देते रहो, मैं अभी भी बोल रहा हूं, अभी भी टाइम है, बाद में टाइम नहीं रहेगा, तो आपको स्टार्ट से समझना बहुत मुश्किल है, अभी भी टाइम है, आंसर देते रहो, और इजी है, अभी तक डिफिकल्ट टॉपिक आया नहीं है, अभी भी इजी टॉपिक्स ही चल रहा है। डिफिकल्ट आप फिर स्किप कर सकते हो, नहीं तो फिर डिफिकल्ट वाला कोई करना पड़ेगा एग्जाम में। चलो 6 क्वेश्चन इधर दिया क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड में इधर बना देता हूँ, रेजोनेंस हाइब्रिड सबके बीच में क्या कंफर्म है? सिंगल बॉन्ड कंफर्म है। क्या कंफर्म नहीं है? डबल बॉन्ड। ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दे नहीं सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, और बीच में भी आएगा, याद रखना बीच में भी डबल बॉन्ड आता है, तो इधर भी। ओके, अगर यहां पे आपको पूछा कौन सा बॉन्ड ज्यादा लंबा रहेगा, अगर आपको पूछा रहेगा कौन सा बॉन्ड इसमें से ज्यादा बड़ा रहेगा, तो आप क्या सोचोगे? सोचते चलो, इसको हम लोग देते हैं X, ये रहेगा Y और ये रहेगा Z। अब इसमें ज्यादा कौन रहेगा लेंथ में आपके हिसाब से? Y। क्यों Y ज्यादा रहेगा, क्या रीजन रहेगा Y ज्यादा रहने का? ओके, अब इसके लिए आप क्या देखोगे, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? आपको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वन करेगा, क्यों वन करेगा पूछोगे, तो ये सबसे स्टेबल है। तो आप कहां से चेक करोगे बॉन्ड लेंथ? वन को देखो, वन का स्ट्रक्चर, टू और थ्री देखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, सिर्फ वन देखो। अब आप खुद से पूछो क्या डबल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा रहेगा कि सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा रहेगा?
सर सिंगल बॉन्ड का लेंथ सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा रहता है ना, तो ज्यादा कौन बड़ा रहेगा, y बड़ा रहेगा और x और z क्या रहेगा, और इसका रीजन क्या है, क्योंकि वन कॉन्ट्रीब्यूट्स, या फिर ऐसा लिख सकते हो वन कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू रेजोनेंस हाइब्रिड। आई होप ये क्लियर हो आपको, कौन ज्यादा स्टेबल है, वन ज्यादा स्टेबल है। तो बॉन्ड लेंथ अगर आपको चेक करना रहेगा तो आप किसका देखोगे, वन का चेक करोगे। वन में आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जो Y है वो सिंगल बॉन्ड है, X और Z जो है ये डबल बॉन्ड्स है। ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड का लेंथ छोटा रहता है सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में, तो Y बड़ा रहेगा X एंड Z के कंपैरिजन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी खुद से ट्राई करना, अभी मैं कुछ ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला हूं। तो ये सिक्स्थ एग्जांपल अभी आपको होना चाहिए रेजोनेंस फैक्टर, जस्ट हमेशा ना दो दो लाइन का गैप छोड़ के बनाना। दो दो का गैप मतलब चार लाइन छोड़ोगे तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई पेज वेस्ट नहीं होएगा, चार लाइन छोड़ के करो। एग्जांपल्स पहले लिख के रखो फिर बाद में चालू करना। आपको अभी आपको पता रहना चाहिए किसके बीच में कॉन्जुगेशन हो रहा है एंड कौन सा कॉन्जुगेशन है, ये भी अभी आइडिया रहना चाहिए। और हमेशा दोनों साइड से चेक करो, लेफ्ट साइड से भी चेक करना, राइट साइड से भी चेक करो। चलो स्टार्ट करना। CH2 पे प्लस चार्ज है, सॉरी चालू करो। सिक्स वाला चलो मैं बता दे क्योंकि ये नया एग्जांपल है। इसमें कैसा कॉन्जुगेशन होएगा, किसके बीच में होएगा बता सर। कार्बन का लोन पेयर, कार्बन का वेकेंट ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का लोन पेयर, तो इनके बीच में एक भी यूनिट का गैप नहीं रहता है, ये याद रखना। तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल है इनके बीच में, जो स्पेशल केस था। तो क्या होएगा, CH2 और NH2 के बीच में कितना बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। ये देखो ये यहाँ पे शिफ्ट होएगा ना पूरा, तो डबल बॉन्ड रहेगा। अब NH2 ने चार बॉन्ड बना लिया तो NH2 के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, चेक करो आपके शॉर्ट नोट्स में कौन सा पॉसिबल स्ट्रक्चर कौन सा पॉसिबल नहीं, उसमें लिखा के दिया आपको। ओके अब यहाँ पे ऑफकोर्स कंफर्म क्या, दोनों के बीच में क्या कंफर्म है, सिंगल बॉन्ड कंफर्म है, क्या कंफर्म नहीं है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और एक चीज पॉजिटिव चार्ज। ओके आप बताओ इसमें ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, ए की बी, फर्स्ट वाला, क्यों फर्स्ट वाला, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है कौन सा रहेगा, सोचो सोचो सोचो, ये रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे ए ज्यादा स्टेबल रहेगा, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत जन गलती किया, क्या गलती किया, किसने ध्यान ही नहीं दिया, ये गलत है। एक चीज आप भूल ही गए, सबसे पहला क्या चेक करना है, करके आपको ऑर्डर दिया था, पहले क्या चेक करना है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, देखो जरा
चलो बोलता है शॉर्ट नोट यूज करने को आना चाहिए. नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पहले चेक करते हैं. तो पाई बॉन्ड इसमें ज्यादा है ना, पहले वो ध्यान दो, फिर बाद में नीचे का न्यूट्रल पॉजिटिव नेगेटिव. पहले शॉर्ट नोट को यूज करने को भी आना चाहिए. वही मैं आपको कब से समझा रहा हूँ. ऑर्डर लिखा के भी दिया था ना, तो बी ज्यादा स्टेबल है ए से. चलो ये ट्राई करना. ये लोन पेयर और किसके बीच में है इधर कॉन्जुगेशन? लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में. पाई बॉन्ड के बीच में, वेरी गुड. डबल बॉन्ड के बीच में. तो लोन पेयर कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए? लेफ्ट में. ठीक है, लोन पेयर लेफ्ट में शिफ्ट होना चाहिए. फिर ये डबल बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होएगा? लेफ्ट में. क्या बात है, कार्बन को पांच बॉन्ड आएगा क्या? कार्बन इधर इधर आ गया तो कार्बन पांच होएगा. तो कार्बन पांच पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान देना. आई होप ये समझ में आ रहा है. देखो कार्बन का इधर तीन बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड आ गया तो और दो, टोटल पांच हो गया. पांच पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान देना, गलती मत करो. तो किधर जाएगा डबल बॉन्ड? किसके पास? ऑक्सीजन के पास जाएगा. ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजन के पास अभी तीन लोन पेयर हो गया. डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे H2 हो गया और यहाँ पे CH3. नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव. और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव. यहाँ पे आपको सो NH2 के लिए नेगेटिव चार्ज डाल दें. कौन ज्यादा स्टेबल है आपके हिसाब से? कौन ज्यादा स्टेबल है आपके हिसाब से? क्यों बी? क्यों बी आपके हिसाब से? क्यों बी रहेगा? बी पे आप नोटिस कर रहे हो, एक जगह पॉजिटिव है, एक जगह नेगेटिव है. ए पे सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव है. तो आपके हिसाब से कौन ज्यादा स्टेबल है? ऑफकोर्स ए रहेगा. ए रहेगा ना. अरे बी पे दो जगह पे नेगेटिव पॉजिटिव है, तो दोनों जगह पे अटैक हो सकता है. ए में अटैक सिर्फ एक ही जगह हो सकता है ना, नेगेटिव पे पास स्टेबल होने के लिए. तो ज्यादा अनस्टेबल बी रहेगा. इसका मतलब ए ज्यादा स्टेबल रहेगा बी में. तो रीजन भी आपको क्लियरली दिख रहा है, ए ज्यादा न्यूट्रल है एज कंपेयर टू बी. यू कैन से दैट वे ऑल्सो. अब आप ऐसा भी बोलोगे पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो करेगा, ऐसा नहीं है. डिस्टेंस देखो दोनों के बीच में, दो यूनिट का है तो कैंसिल आउट नहीं होएगा. वो भी जरा समझ लेना. ये क्या रहेगा, क्या कंफर्म है सबके बीच में? सिंगल बॉन्ड कंफर्म है. क्या कंफर्म नहीं है? डबल बॉन्ड कंफर्म नहीं है. तो ये डबल बॉन्ड को जस्ट डॉट 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 से बना लेना. सर वो सी के इधर आ गए ही नहीं. अरे हाँ, थैंक बटन नहीं आएगा. फिर इसके बाद सबके ऊपर क्या आएगा? चार्ज. चार्ज. इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज का. तो वो लोन पेयर को नेगेटिव बताते नहीं है, लेकिन तो बता दिया मैंने. तो इसके ऊपर एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, लेकिन छोड़ एग्जाम में यूजुअली ये देते नहीं है. मैं जस्ट आपको समझाने, मतलब ये नहीं देते, मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं देते ऐसे नाइट्रोजन के ऊपर. लोन पेयर ही दिखाते बोलो तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना. आगे का बना लो. चलो ट्राई करो. किसके बीच में होएगा यहाँ पे कॉन्जुगेशन? लोन पेयर और पाई बॉन्ड. लोन पेयर और पाई बॉन्ड, वेरी गुड. चलो ट्राई करो. तो ये पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए? कार्बन की तरफ की ऑक्सीजन की तरफ? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होएगा. तो ऑक्सीजन पे आएगा छह इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा.
इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा आपके हिसाब से? फर्स्ट सेकंड एक नंबर, अरे दोनों सेम ही है, फर्स्ट सेकंड बोल रहे सब लोग। चलो सबके बीच में कंफर्म है कि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में, आदित्य ने बताया करके मैंने वापस वो गलती नहीं की। लास्ट वाला करना, लास्ट वाले में भी चार सम पहले का कंसेप्ट लोग भूल जाएंगे। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा, लोग बोलेंगे सिर्फ दो ही रहेगा, है ना, सिर्फ दो ही रहेगा ना, ये एक और इधर क्या होएगा, किसके बीच में रहेगा आपके हिसाब से? आपके हिसाब से किसके बीच में रहेगा कॉन्जुगेशन? ये माइनस और इसके बीच में ना, सिर्फ एक ही जन हो रहा है ना इधर कॉन्जुगेशन। देखो दोनों साइड से हो सकता है, एक इधर भी हो सकता है ये पहला कॉन्जुगेशन, फिर एक इधर से भी हो सकता है ये सेकंड कॉन्जुगेशन। इसके लिए मैं वो कॉन्जुगेशन का स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया था, दोनों जगह से हो सकता है। तो एक टाइम क्या होएगा, इधर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होएगा, तो इधर डबल बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होएगा। एक टाइम क्या होएगा, लेफ्ट साइड का ऑक्सीजन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो इधर एक नेगेटिव चार्ज आने वाला है, यहां पे एक डबल बॉन्ड आएगा। सर ऐसा ही एक किया था ना पहले? हाँ एक और, अरे ये स्टार्टिंग फर्स्ट एग्जांपल था हम लोग का रेजोनेंस, वो मुझे पता है, लेकिन इसके पहले चार एग्जांपल पहले भी एक एग्जांपल किया था ना, वो भी सेम था ना, लेफ्ट साइड से हो रहा था राइट साइड से हो रहा था। और आंसर देते रहो, वही मैं आपको वापस वापस रिपीट कर आंसर देते रहो। इसमें कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा? सब सेम है। इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो क्या रहेगा बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितना इसमें? थ्री रहेगा। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है? चार ना, एक दो तीन चार, चार बॉन्ड है, तो ये कितना आएगा 1. कैसा भी क्वेश्चन आने दो आप सॉल्व कर पाओ। मीटिंग एंड हो, वापस सेम लिंक पे रिज्वाइन करना, वापस मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, वापस रिज्वाइन कर लेना सब लोग।